दोस्तों आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज मैं इस वीडियो में आपको PS5 इवेंट से रिलेटेड वो बातें बताने वाला हूं जिस पर किसी भी यूट्यूबर का ध्यान नहीं गया। हो सकता है कि आपने भी वो बातें नोटिस नहीं की हो। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यार PS5 यानी कि सोनी कंपनी ने हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी वो गेम समझ जाएंगे कि हमें PS5 अभी परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। परचेस तो करना ही है, ये बात तो फाइनल है कि मेरे हिसाब से कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो PlayStation लवर और वो PS5 ना ले। जो PlayStation लवर नहीं भी है, जो अभी तक Xbox One कंसोल यूज़ कर रहा था या PC पर गेमिंग करता था, कहीं ना कहीं इस इवेंट को देखने के बाद तो उसका भी मन में आ गया होगा एक बार कि यार मैं भी PS5 परचेस कर ही लेता हूँ। बट ये वीडियो आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर देगी कि क्या PS5 आपको अभी लॉन्च होने के साथ ही परचेस कर लेना चाहिए या उसके लिए थोड़ा वेट करना ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन, नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो का यार मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहले पॉइंट में मैं बात करूंगा कि ये इवेंट कितना लंबा था और इसमें किन किन गेम्स के ट्रेलर वगैरह हमें देखने को मिले। दूसरे पॉइंट में मैं बात करूंगा PS प्लस के बारे में कि PlayStation प्लस की जो यहाँ पर सर्विस दिखाई गई है वो PS4 से कितनी अलग है। नंबर 3 पर मैं बात करूंगा PS5 के प्राइस एंड रिलीज डेट के बारे में, वो तो आपको पता ही है, लेकिन इंडिया में इसके प्राइस और रिलीज डेट क्या होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 12th और 19th दो डेट हैं और ये भी सभी को पता है कि 19 नवंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रहा है। तो क्या 19 नवंबर को ही इंडिया में ये अवेलेबल हो जाएगा? और यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये भी है कि बिल वाला मिलेगा कि विदाउट बिल मिलेगा, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट पॉइंट पर मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि गॉड ऑफ वॉर कब रिलीज होने वाली है, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक का यहाँ नाम कंफर्म हो गया है, लेकिन उसकी लुक यहाँ पर नहीं दिखाई गई कि क्रेटोस देखने में कैसा होगा, एट्रियस में यहाँ पर लीप दिखाया जाएगा टाइम में या नहीं दिखाया जाएगा, कि उसकी उम्र कितनी हो गई है या वहीं से सेम मतलब एग्जैक्ट जगह से वो कंटिन्यू करेंगे गेम को। तो बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो में, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। तो जल्दी से इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले पॉइंट पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सोनी का ये लास्ट इवेंट था ये लगभग 1.5 घंटे का था, जिसमें 10 से 15 गेम के ट्रेलर एंड गेम प्ले रिलीज किए गए, यहाँ पर हमें दिखाया गया। जैसे स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स की मैं बात करूँ तो उसका पूरा गेम प्ले दिखाया गया हमें, जिससे हमें पता चलता है। डेथ लूप गेम का जो ट्रेलर दिखाया गया था फर्स्ट इवेंट में, तो उसका भी यहाँ पर गेम प्ले के बहुत सारे मैकेनिक्स को रिवील किया गया कि गेम प्ले आखिरकार कैसा होगा खेलने में और कौन कौन सी आप फर्स्ट पर्सन शूटिंग में एबिलिटीज को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मुझे सबसे ज़्यादा गेम प्ले पसंद आया वो आया कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर का। आप लोगों ने देखा भी होगा जब मैंने इस इवेंट को लाइव किया, तो बाद में इवेंट खत्म होने के बाद भी मैंने नोनी जी को भी स्पेशली इसका पूरा गेम प्ले ट्रेलर दिखाया, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद आया और सच में लग ही नहीं रहा था कि यार ये कॉल ऑफ ड्यूटी मतलब सीरीज को उन्होंने कुछ नेक्स्ट ही लेवल पर पहुंचा दिया है। जब मॉडर्न वॉरफेयर मैंने लास्ट टाइम खेली थी तो मुझे लगा था अब इससे अच्छी गेम नहीं बना सकते ये लोग, लेकिन कैंपेन में मुझे लगता है कि वो उसे भी बीट करेगी और बहुत अच्छा कैंपेन होने वाला है। साथ ही आपको ज़ॉम्बी मोड वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज ये भी दे दूं कि कॉल ऑफ ड्यूटी का अल्फा मोड आपको फ्री में डाउनलोड आप कर सकते हैं PlayStation 4 पर। तो मैंने भी कल रात ही डाउनलोड किया है। आपको पता है कि मैं 2K बैटल ग्राउंड की लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं इस टाइम पर, नमोकार लाइव गेमिंग जो हमारा सेकंड चैनल है। तो आज मैं 2K बैटल ग्राउंड के साथ साथ इसका भी मल्टीप्लेयर खेलूंगा। तो जिन भी लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है या जो भी लोग इसकी लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हैं तो हमारा सेकंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो PS5 के अंदर जो सबसे नए ट्रेलर दिखाए गए जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था वो थे फाइनल फैंटेसी 16 का और दूसरा था हैरी पॉटर गेम का, जिसका हैरी पॉटर नाम नहीं है, उसे उन्होंने नाम दिया है हॉगवर्ट्स लेगेसी। तो लेकिन ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक्सक्लूसिव टाइटल नहीं है, ये आपको सभी प्लेटफॉर्म पर खेलने को मिलेगा, करंट पर भी और नेक्स्ट पर भी। इसी के साथ इस गेम को PC पर भी रिलीज किया जाएगा और रिलीज डेट इन्होंने यहां पर कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये भी गेम नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी। तो हैरी पॉटर के जो लोग फैन हैं, जो भी 90s के किड हैं और जिन्होंने भी पूरी मूवी सीरीज वगैरह इसकी देखी है, तो वो तो काफ़ी एक्साइटेड होंगे। बाकी यार मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन से बताऊं तो मैं उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूं, क्योंकि अभी तक जितनी भी मैंने हैरी पॉटर की पहले जो गेम डेवलप होती देखी है तो उनका रिस्पॉन्स बहुत ही गंदा था। बट देखते हैं यार कि इस गेम में कुछ हमें नयापन मिलता है या नहीं मिलता। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये गेम हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों मैं बात करूंगा PS प्लस सर्विस के बारे में। अब आपको लोगों को पता ही है कि यार PlayStation प्लस की जो सर्विस है वो हम PS4 पर भी यूज़ कर रहे हैं, तो PS5 में ऐसा आखिरकार नया क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गेम्स के ट्रेलर दिखाए गए तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए उस चीज़ में। लोगों को लगा कि ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी तो सोनी ने कंफर्म कर दिया है कि 99% आप PS4 की गेम्स को PS5 में प्ले कर पाएंगे, ये लास्ट में जो CEO हैं उन्होंने पूरा कंफर्म किया था। और
IGN ने भी बाद में ट्वीट करके इस चीज को और बता दिया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो ये PS Plus सर्विस है जो आपको PS5 में मिलेगी, ये PS4 से काफी अलग होने वाली है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको Xbox का। आपको पता है कि Xbox में दो तरह की सर्विस को हम अभी यूज करते हैं, एक होती है Xbox Live Gold और दूसरी होती है Xbox Game Pass। लेकिन अगर आप Xbox Game Pass का अल्टीमेट एडिशन परचेज कर लेते हो मंथली का, जो लगभग 850 रुपए का पड़ता है हमें, उसके अंदर आपका Live Gold भी इंक्लूड है और अब तो वो EA सर्विस को भी इसी में इंक्लूड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है ये। तो उसी तरह से उन्हीं की तर्ज पर चलते हुए सोनी ने भी यहां पर ये चीज इंप्लीमेंट की है। धीरे धीरे अब आपको PlayStation 5 में भी वही सर्विस देखने को मिलेगी जिसकी उन्होंने स्टार्टिंग यहाँ पर कर दी है। तो यहाँ पर कुछ गेम वो स्टार्टिंग में आपको फ्री देने वाले हैं PS Plus में, जिन्हें आप आराम से डाउनलोड करके खेल सकते हैं, सेम वही सर्विस होगी। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया कि क्या PS5 की जो PlayStation Plus की सर्विस है उसके प्राइस कुछ ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे। मेरे हिसाब से तो फिलहाल अगर आपने PS4 पर PS Plus सर्विस ले रखी है तो वही आपकी उसमें भी कंटिन्यू होगी और उसका वो ज़्यादा चार्जेस वगैरह नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर जब वो ज़्यादा टाइटल इसमें ऐड करें, जैसे अभी हमें Xbox Game Pass में 100 से ज़्यादा गेम्स मिलती हैं और वो टाइम टू टाइम रिप्लेस भी होती रहती हैं, उनमें कुछ नए टाइटल्स भी ऐड होते रहते हैं, तो सेम चीज़ मुझे लगता है कि PlayStation Plus में भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल की बात करें तो आपको 15 से 20 टाइटल मिलेंगे जिसमें मेन टाइटल जो है गॉड ऑफ वॉर है, अनचार्टेड है, एक्सक्लूसिव टाइटल है, इसके अलावा मोर्टल कॉम्बैट एक्स को भी उन्होंने डाला है और भी पर्सोना 5 को डाला है। पर्सोना 5 आप लोगों ने शायद खेली भी नहीं होगी, तो काफी सारी गेम्स ऐसी भी होंगी जो आपने पहले से परचेस कर रखी है, लेकिन उनमें से कुछ टाइटल ऐसे भी हैं जो आपने सोचा होगा खेलने का लेकिन अब आप PS Plus के थ्रू उन्हें खेल पाएंगे। फोर्थ पॉइंट पर दोस्तों मैं बात करूंगा PS5 के प्राइस एंड रिलीज डेट के बारे में। अब आपको पता ही है कि अमेरिकन डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो उसका रेट उन्होंने रखा है $499। तो यार ये रेट वही है जो Xbox सीरीज एक्स ने अपना रखा था और इस प्राइस पर Xbox को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, खासतौर पर हम इंडियंस की तरफ से, क्योंकि इंडियन प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो हमें पड़ता है 50,000 रुपीज का। अगर वैसे एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं फिगर तो मैंने यहां पर कैलकुलेट करके देखा था, तो $499 के हिसाब से हमें 36,700 अप्रोक्सीमेट पड़ना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि अभी इस पर टैक्सेस भी लगेंगे और सारी चीजें होंगी, तो ये आप मानकर चले मिनिमम 48,000 to 50,000 के बीच में रहने वाला है। जो इंडिया में जो रिलीज होगा उसका मैं आपको प्राइस बता रहा हूं, जो इसका MRP होगा वो उसके अराउंड ही होगा कुछ। लेकिन यहां पर सिर्फ MRP की बात नहीं है दोस्तों, झोल इससे ऊपर का है। अब वो झोल क्या है, आपको पता है कि जब PS5 का फर्स्ट इवेंट हुआ था जिसमें उसने डिजाइन वगैरह रिवील किया था, तो उसने बताया था कि स्पाइडरमैन उसका लॉन्चिंग टाइटल होगा। तो PS5 के साथ हमें कहीं ना कहीं हमें ये उम्मीद हो गई थी कि यार जब PS5 लॉन्च होगा और जब हम उसे परचेस करेंगे तो स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स की एक CD तो यार समय साथ में मिलेगी ही मिलेगी। और ऐसा होता भी है, आप अगर कोई भी कंसोल परचेस करोगे तो उसके साथ एक गेम, दो गेम, तीन गेम तो मिलती ही मिलती है। और स्टार्टिंग में अगर मैं PS4 के टाइम की भी बात करूं तो मुझे किलजोन शैडो फॉल की CD मिली थी साथ में, तो ऐसी यार उम्मीद हमारी ये भी है कि स्पाइडरमैन की भी हमें मिलनी चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ये लुक देखिए, यहां पर उन्होंने रिटेल डिजाइन रिवील किया है इसका, यानी कि जब आप इसे स्टोर से परचेस करने जाएंगे या किसी भी शॉपकीपर से लेंगे तो जो इसकी फाइनल पैकेजिंग होगी, जो इसका बॉक्स होगा, वो देखने में कुछ ऐसा होने वाला है। तो आप इसमें कहीं भी देख सकते हैं, इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि इसमें स्पाइडरमैन की CD आपको साथ में मिलेगी। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो बजट है पहले से जो 48,000 से 50,000 रुपए हम इंडियंस के लिए, तो पहले ही महंगा पड़ रहा है वो, क्योंकि अगर $500 के हिसाब से, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि वो मैक्सिमम 40,000 रुपए तक पड़ना चाहिए, 10,000 रुपए तो हमें वो वैसे ही महंगा पड़ रहा है, चाहे टैक्सीस है, चाहे कस्टम है, चाहे कुछ भी है। इसके अलावा हमें 5,000 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे स्पाइडरमैन गेम को खेलने के लिए। अब आप सोचो यार, PS5 जो हम सोच रहे थे कि हमारे बजट में आएगा तो वो 55,000 रुपये का था, एग्जैक्ट कॉस्ट यहीं पर बैठ गया, और जिसके अंदर हमें कोई एसेसरी साथ में नहीं मिल रही सिवाय एक कंट्रोलर के, वो तो कंट्रोलर नीड भी है, अगर कंपनी का बस चलता तो वो कंट्रोलर भी उठा के रख लेती उस डब्बे में से। तो जिन भी लोगों ने इस बात पर अभी तक ध्यान नहीं दिया था, तो अब मेरी बात सुनने के बाद वो ज़रूर सोचेंगे, विचार करेंगे इस बारे में, क्योंकि यार 5,000 रुपये सच में मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक रुपये की बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे अभी भी हैं जिन्होंने यार अपनी पॉकेट मनी को सेव किया है और वो अभी भी उसमें पैसे कम पड़ रहे हैं। मेरे पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के मैसेज आते हैं कि सर हम 35,000 रुपीज तक हमने जोड़ लिए हैं, 40 तक भी हमारा बजट बन गया है, कुछ मैं अपने पेरेंट्स से हेल्प ले रहा हूँ उसमें, और उसके बाद भी कहाँ 5,000 रुपये। और इसका मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलिए ठीक है आपने PS5 परचेस कर लिया विदाउट स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स के, आपको 50,000 रुपये मिल भी गया, तो आप परचेस क्यों करेंगे? मुझे सिर्फ आप एक रीजन बताओ कि यार मैं इसलिए PS5 लूंगा। अभी लेना तो सभी को है, ये तो मैं भी कहूंगा कि यार PS5 तो लेने वाली चीज़ है और सभी लेंगे,
अभी लेंगे, एक साल में लेंगे, लेकिन लेंगे सभी, लेकिन अभी क्यों लें? ऐसा सोनी हमें क्या प्रोवाइड कर रही है जिससे हमें वो अभी परचेस करना चाहिए? क्योंकि ये बात आप भी समझते हैं कि अभी फिलहाल हमें कोई डिस्काउंट उस पर नहीं मिलने वाला, यानी कि अगर वो 50,000 रुपये में इंडियन करेंसी के हिसाब से रिलीज भी होता है और आप उसे अगर आपसे 6 महीने 1 साल बाद परचेस करेंगे तो जो शॉपकीपर आपको अभी ब्लैक में देंगे, जो आपको MRP पर भी प्रोवाइड कराएंगे, वो आने वाले टाइम में आपको उस पर डिस्काउंट भी ज़रूर देंगे, क्योंकि उन सभी को तो डिस्काउंट आता ही है 10-15% का। तो अब आप समझ लीजिए कि जो भी कंसोल का MRP होता है, आप PS4 की आप बात ले लीजिए, अगर उसके पैकेजिंग पर लिखा है 30,000 रुपीज़, तो वो आपको आराम से 26-27,000 रुपीज़ का मिल जाता है। उसी तरह से अगर PS5 का प्राइस भी 50,000 रुपये होगा या उसकी डिस्क का प्राइस 5,000 रुपये होगा, तो आपको आराम से वो 4,500 रुपीज़ और कंसोल की मैं बात करूँ तो 45,000 तक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये डीमेरिट निकल कर आता है सोनी कंपनी का कि वो स्टार्टिंग में लॉन्चिंग के साथ उसने ऐसा कुछ भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराया सिवाय PS Plus सर्विस के, और वो PS Plus सर्विस ऐसा नहीं है कि आपको अभी 3 महीने के अंदर ही अंदर PS5 परचेस करना होगा तभी आप वो सर्विस को यूज़ कर पाएंगे। वो तो आपके लिए अब लाइफ टाइम है, मतलब आप PS5 2 साल बाद भी लोगे तो उल्टा आपको उसमें और ज़्यादा टाइटल ही देखने को मिलेंगे PS Plus के अंदर, तो ऐसा नहीं होने वाला यहाँ पर। और साथ में जो 2 गेम्स आपको फ्री मिलती हैं वो तो मिलेंगी ही। और इसके अलावा जो दूसरा डीमेरिट मुझे नजर आता है वो स्पेशली PS5 यूजर्स के लिए है जो PS5 लेने का सोच रहे हैं और जिन्होंने PS4 नहीं परचेस किया। मैं सिर्फ उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। तो वो डीमेरिट ये है कि यार स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल, जिसे काफी टाइम से कहा जा रहा था कि ये PS5 एक्सक्लूसिव होगा, तो वो अब एक्सक्लूसिव नहीं रहा, वो PS4 पर भी आपको खेलने को मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है यार कि हर आदमी, मतलब जो लेने वाला पर्सन है, जो इस वजह से वेट कर रहा था कि यार PS5 पर तो मुझे PS5 की गेम तो मिलेंगी, साथ ही PS4 की भी मैं खेल पाऊंगा, तो अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि यार मैं क्या डबल प्राइस लगाकर PS5 परचेस करूं, क्योंकि PS4 पर तो मुझे ऑलरेडी स्पाइडरमैन भी मिल रही है खेलने को, जो सेकंड पार्ट आ रहा है। अब कंपनी ने ऐसा क्यों किया उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। तो आप लोग समझेंगे ये है सब मार्केटिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी। अब स्पाइडरमैन ने कितना पैसा PS4 पर कमाया था ये आप लोगों को पता ही है, इस बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितनी मिलियंस कॉपी सेल हुई है। और इस बात को सोनी कंपनी भी अच्छे से समझती है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी प्रमोशन कर लें, लेकिन PS5 हम ऑन द स्पॉट एक साथ इतना सेल नहीं कर पाएंगे कि वो PS4 के कलेक्शन को बीट कर सके, या जितना वो सेल हो गया है वो आने वाले 1 साल में भी वो सेल कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसीलिए उनकी मजबूरी है स्पाइडरमैन को PS4 पर भी लॉन्च करने की, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। क्योंकि PS5 पे ठीक है आपको 5,000 रुपए की डिस्क पड़ेगी, लेकिन PS4 पर भी 4,000 रुपए तो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि PS4 में आपको फ्री में मिल रही है वो गेम खेलने को। तो वो PS4 पर उनका रिलीज करने का जो पर्पस है वो यही पर्पस है कि वो उससे भी पैसा कमा सके, साथ ही PS5 पर तो वो लॉन्च करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको उसके अंदर कंसोल में भी एक CD भी नहीं मिल रही साथ में किसी भी गेम की, आप सिर्फ PS5 खरीदने के बाद Fortnite को फ्री में डाउनलोड करके जरूर खेल सकते हैं, और अगर PS Plus सर्विस होगी तो उसकी वो जो गेम्स जो वो दे रहा है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला PS5 के अंदर फिलहाल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स या आने वाले टाइम में जो एक्सक्लूसिव टाइटल, जैसे भी आप फिलहाल PS4 का बंडल देखते हैं कि उसमें 3-3, 4-4 गेम्स आपको मिलती हैं, तो उसके लिए तो भाई आपको वेट करना पड़ेगा कम से कम 1 साल का, नहीं तो 6 महीने तो कहीं नहीं गए। अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, जहां पर मैं बात करने वाला हूं गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक के बारे में। तो यार गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक का उन्होंने यहां पर जो दिखाया है वो हम सभी को पहले से पता ही था कि गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक आ रही है, 2021 में ही आएगी, ये बात मैं काफी बार वीडियो में बता भी चुका था। और उसका मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया, किसी भी गेम को आप लोगों को समझना है तो आप उसकी रिलीज डेट देख लीजिए कि उसका पहला पार्ट कब रिलीज हुआ था। तो 3 साल मिनिमम किसी भी गेम की डेवलपमेंट में लगते हैं, तो 2018 अप्रैल में ये गेम आई थी और 2021 में ये गेम आएगी। अब तो 2021 में ये लोगों को अब ये जानना है कि ये गेम आएगी कब, मतलब रिलीज कब होगी, इसका ट्रेलर कब दिखाया जाएगा। तो जहां तक मेरी अपनी ओपिनियन है, जितना मैंने आज तक गेमिंग की है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बिहाव से मैं कहूं, तो ये गेम का जो आपको टीजर या ट्रेलर जो एक्चुअल में देखने को मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा 20th अप्रैल 2021 को। अब 20th अप्रैल में आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 20th अप्रैल 2018 में गॉड ऑफ वॉर नॉर्स माइथोलॉजी का फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था। तो ये डेट से अच्छी इनके पास कोई दूसरी डेट नहीं है कि इसका ये कर सकें या इसके बारे में कुछ रिवील कर सकें। तो इस बार भी अगर आप लोगों ने देखा हो तो 1 अप्रैल को इन्होंने एक मोशन पोस्टर रिलीज किया था और क्रेटोस दोनों वर्ल्ड सर्पेंट के ऊपर खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं। तो इस बार भी जो आपको एक्चुअल में देखने को मिलेगा वो मिलेगा अप्रैल मंथ में वो उसका टीजर या ट्रेलर लॉन्च कर देंगे। और जहां तक इसकी रिलीज डेट की, तो रिलीज डेट के भी काफी आसार हैं कि आपको उसके बारे में भी बता दिया जाए वहां पर। अगर 2021 में इन्हें रिलीज करना होगा तो मिनिमम 6 महीने पहले तो उसकी रिलीज डेट हमारे सामने कंफर्म हो जाएगी। और जाते जाते आप लोगों के एक
सवाल का जवाब और दे देता हूं कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जिस तरह से स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स PS4 पर भी रिलीज हो रही है, तो क्या गॉड ऑफ वॉर भी PS4 पर रिलीज होगी या नहीं होगी? तो भाई इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। भले ही कोई भी बड़े से बड़ा यूट्यूबर आपको कोई भी वीडियो बनाकर कुछ भी बोलता रहे, लेकिन गॉड ऑफ वॉर नहीं आने वाली, PS4 पर किसी भी तरह से नहीं आएगी। क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्हें PS5 की सेल बढ़ानी है, ना कि घटानी है। अगर गॉड ऑफ वॉर जैसी गेम भी कंपनी PS4 पर देने लग गई तो आप समझ लो फिर तो राम नाम सत्य है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। और इसका एक दूसरा रीज़न भी आपको दे देता हूँ कि अब से एक साल बाद, कम से कम एक साल बाद वो गेम रिलीज़ होगी, ये तो हम सभी जानते ही हैं, और उसमें 2 साल का भी वक्त लग सकता है। तो उस टाइम पर PS5 ही हमारा करंट कंसोल होगा, तो PS4 पूरी तरह से कह सकते हैं मतलब काफ़ी हद तक आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका होगा। तो उस पर तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा कंपनी का रिलीज़ करने का। और स्पाइडरमैन को भी कंपनी क्यों रिलीज़ कर रही है ये भी मैं आपको लोगों को लॉजिक बता ही चुका हूँ, क्योंकि इस टाइम पर PS4 अपने पीक पर है, बहुत सारे लोगों ने PS4 परचेस कर रखा है। तो कंपनी को लग रहा है कि यार अगर हम PS4 पर भी स्पाइडरमैन को रिलीज़ करेंगे तो अच्छा खासा हमारे पास यार मतलब बहुत अच्छा रिवेन्यू जनरेट हो जाएगा हमारा, जो कि 4,000 रुपये की गेम भी अगर हम मतलब 100 मिलियन से ज़्यादा कंसोल बिके हैं मार्केट में, और अगर हमारी 10 मिलियन कॉपीज और बिक जाती हैं, तो आप सोच सकते हो 4,000 रुपये के हिसाब से कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करेगी। 4,000 भी छोड़ो, अगर कंपनी 3,000 रुपये का भी कंपनी को नेट प्रॉफिट आता होगा सब डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह का काट कर, तो तब भी आप और मेरी सोच से बहुत ज़्यादा मतलब कंपनी इस गेम से पैसा कमाने वाली है, वो भी कई 1,000 करोड़ में। तो आप और हम इस फंडे में ना पड़े तो ज़्यादा सही है। और ये PS5 के जो कंसोल हैं सिर्फ 2 ही वजह से बिकेंगे, एक तो जो स्पाइडरमैन आ रही है, अब तो खैर वो स्पाइडरमैन वाला मुद्दा ही खत्म हो गया, अब तो जियो प्लेस्टेशन के हार्डकोर लवर्स हैं या जो हार्डकोर फैन हैं वही इसे परचेस करेंगे, और दूसरे वो लोग करेंगे जिन्होंने PS4 PS5 की वजह से स्किप कर दिया था, तो अब उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। बाकी जिनके पास अभी PS4 है और जिनका अभी बजट भी नहीं है, एक तो होता है यार हमारे पास अंधी कमाई है भाई, इतना भी पैसा खर्च करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यार वो तो ले ही सकते हैं। तो नहीं तो मेरे हिसाब से सिर्फ यूट्यूबर के अलावा किसी और को अभी स्टार्टिंग में अभी 1-2 महीने के अंदर इसे परचेस करना उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि ग्राफिक्स में भी आपको ऐसा नहीं है कि स्पाइडरमैन PS4 पर आपको बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगी और PS5 में बिल्कुल ही कलर खिलके आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। 20-25 का डिफरेंस जरूर मिलेगा, मैं मानता हूँ यार वो 4K क्वालिटी है, लेकिन आप लोगों को पता है यार 4K LED भी कितने लोगों के पास है, तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि आप लोग एक्साइटमेंट में आकर अपने पैसे फंसा दें बेफालतू में। और अभी PS5 आने दो, चीज़ बहुत अच्छी होगी नो डाउट, उसमें तो मैं कहीं से कहीं तक भी 1% भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ महीने रुककर अगर आप लोगों के 5 से 10 हज़ार रुपये सेव हो जाते हैं तो यार इसमें बुराई क्या है, मुझे ये बताइए आप। तो दोस्तों जितना मुझे कहना था मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, या आप मेरी बात से एग्री करते हैं नहीं करते हैं, और कौन कौन पर्सन इसे लॉन्च डेट पर लेने वाला है, और कौन थोड़ा सा रुककर वेट करेगा इस चीज़ के लिए जो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, 1000 लाइक्स का मैं एम रखता हूं छोटा सा, आप लोग मुझे पता है कि जरूर करा देंगे अगर आप मेरी बात से एग्री करें तो, तभी लाइक कीजिएगा। और चैनल को तो यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का देखता हूं एनालिटिक्स में कि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है लेकिन वो वीडियो को पूरा देखते हैं, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो इस तरह की आती रहेंगी। और जो भी आप लोगों के सवाल हैं, अगर अभी भी कोई सवाल आपके रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर लगेगा तो मैं उसे Q&A में कवर करके आप लोगों की रिप्लाई कर दूंगा। फिर आपसे मुलाकात होती है आज रात को नवोकार लाइव गेमिंग चैनल पर, जो भी लोग मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं इस बारे में और, तो वहां पर आकर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।